बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर से होंगे। दोस्तों, आज हम चार कनाल के ज़री रकबे पर, ऐसे रकबे पर मौजूद हैं जो अंकल अब्दुलरज़ाक की है और बराए फ़रोख्त है। आप ये ना समझिएगा कि ऑनलाइन जो है ना वो ज़मीनें अब बेची जा रही हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है वैसे, क्योंकि बहुत से अहबाब हमसे पूछते रहते हैं कि अगर कोई ज़मीन का कोई टुकड़ा, कोई प्लाट, कोई ऐसी ज़री ज़मीन या चाहे बंजर भी हो तो दिलचस्पी रखते हैं जी लोग ख़रीदने में। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि क्योंकि अब्दुलरज़ाक ने बेचना था तो मैंने सोचा कि जो है ना अपने जो व्यूअर्स से शेयर की जाए, तो एक अपॉर्चुनिटी भी है। और जो है ना वैसे भी ये आप देख रहे हैं जिस ज़मीन में हम खड़े हैं यही है, वो बहुत ही ज़रखेज़ ज़मीन है। इस वक्त जो है उन्होंने घास बोया हुआ है, जानवर वगैरह पालते हैं, तो इनसे जो है पूछते हैं कि ज़मीन का जो है वो क्या रेट है। चार कनाल का ये रकबा है जी। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइए कि यहाँ पर जो है ना रेट्स क्या चल रहे हैं? तकरीबन 24 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख तक ऊपर है। सही सही। अब हमारे इलाके में कम क्या से है? कम 24 है हमारे। अच्छा, आप ये बताइए कि हमारे इलाके में रेट्स अमूमी क्या है? तीन लाख जो है ना कनाल का, एक कनाल का 24 लाख एकड़ का, एक एकड़ का जिसमें जो है ना आठ कनाल होती हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो ये कितना से पहले आपने, ये आपकी है? आपकी है ये अबाउ जाज से मिली हुई है। चलिए ठीक है, आपको ड्रोन शूट्स के जरिए भी दिखाते हैं, सारी मालूमात तो आपको दे ही दी हैं। तो जो है ना अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो रब्ता कीजिएगा, फिर आपको दिखा देते हैं, इसकी लोकेशन दिखा देते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो कि ये ज़मीन जो है ना कैसी है और किस लोकेशन पर है। दोस्तों, आपको मालूम है बहुत से यूट्यूबरों ने अपनी नई गाड़ी ले ली है, तो हम रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ले ली है। चलिए जी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अयूब भाई। वालेकुम सलाम। अयूब भाई ने जी नई कार ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अयूब भाई आपको बहुत मुबारक हो। चलिए जी चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और फिर बाद में जो है ना बातें सारी करते हैं। तो अच्छा जी, गाड़ी असल में ली है अयूब भाई ने, तो हाँ मैं कह रहा था चले अयूब भाई मेरे कज़न हैं, जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम उनसे ले लेते हैं, तो रेंट पे चलाते हैं, जैसे कि आपसे पहले भी शेयर किया था। तो जो है ना आपको कार्ड भी दिखाते हैं जी, विजिटिंग कार्ड भी दिखाइएगा जी, ताकि जो है ना हमारे इलाके जो रहीम खान के लोग हैं अगर उनको कभी ज़रूरत पड़े तो ये है जी उनका विजिटिंग कार्ड। तो जी पीछे बैठे हैं दिलशाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है हम जी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। तो मेरी पुरानी वीडियोस में जो है ना दिलशाद भाई आया करते थे, जब वो वीडियो हम कभी वायरल भी नहीं हुए थे पुरानी वीडियोस में। तो आज जी हम प्रोग्राम बना रहे हैं जाने का दरिया सिंध, क्योंकि वहाँ पर एक ख़ास काम हम जा रहे हैं और किसी की तरफ से जो है ना मछली की खुराक के लिए, जो है ना मछली के खाने के लिए एज़ ख़ुराक के तौर पर हम कुछ लेकर जा रहे हैं, और उस जगह पर जाकर हम मछलियों की खुराक डालेंगे जहां पर मछलियां आम तौर पर जो ज़्यादा पाई जाती हैं। ये है जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, दरियाए सिंध। हम
जिन मछुआरों से पूछ रहे हैं कि कश्ती अवेलेबल हो, तो हम जो है ना दरिया देखते हैं, 10-15 मिनट और बैठते हैं, कोई कश्ती वाला आता है तो कश्ती पर चढ़कर जो है ना हम इंशाल्लाह दरिया के वस्त में पहुंचकर मछली की खुराक जो है ना वो डालेंगे। तो इस वक्त जी दिलशाद भाई, कैसी हवा कैसे चल रही है? बहुत ठंडी अच्छी चल रही है। हाँ जी, इस वक्त हम एक सिपर पर बैठे हुए हैं, ये देखें आप, तो जो है ना बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी के मौसम में ठंडी हवा का जो एहसास है ना, बिल्कुल वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अय्यूब भाई तो कहते हैं कि काश मेरा यहाँ पर घर होता। हकीकत ये है कि मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ पर घर होना। हाँ, नेचुरल जगह है ना जी, बहुत नेचुरल जगह है और बहुत अच्छा लगता है। एसी की जरूरत नहीं है, गाड़ी से उतरे हैं, देखो कोई पसीना वसीना नहीं है, कुछ नहीं है, गाड़ी में एसी चल रहा था, बैर है, बैर भी अल्लाह ताला ने एसी चलाया हुआ है। तो सुबह सुबह का मौसम है जी, यहाँ पर दरिया के किनारे जो सारा सरसब्ज इलाका है, तो कोई घास कर रहे हैं आप देखें दूर दूर से, तो कोई सब्जियाँ जो है ना इस वक्त तुड़ाई, सब्जियों की तुड़ाई कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम ड्रोन उड़ाकर आपको ये दिखाते हैं, पिछली वीडियोस में तो आपको दिखा चुके हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इलाका है और बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी खूबसूरती आज दोबारा हो जाती है अगर ड्रोन यहाँ पर मैं उड़ा पाता। लेकिन औरतें जो है ना वो यहाँ पर काम कर रही हैं, फिर आप कच्चे के लोगों को आप जानते तो हैं, फिर इस वजह से हम कोई ये फिर डंडे लेके आ जाते हैं, डंडे लेके अगर सेल्फी भी बना रहे हो, हम सेल्फी भी यहाँ पर बना रहे हों या सेल्फी वीडियो बना रहे हों, तो फिर लोग आ जाते हैं जी, ओए कैमरा बंद करो। बैठे ढोला हासे करें दया से, वाह 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 वाह, यहाँ का एक अपना ही एहसास है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, बाबा जी दुआ करो, दुआ बाबा, दुआ करें। ये मेरे ख्याल सुनते नहीं है ये। बस छोड़, ना करो बाबा जी बुजुर्ग से ना करें ऐसे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए जी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन आमीन आमीन। हमने जो जाना है वहाँ पर जाकर जो है ना खुराक वहाँ पर छोड़नी है हमने, और यहाँ से जो है ना पानी कम है थोड़ा सा, और गाड़ी चलती है ना अबे भाई, जिस तरह गाड़ी चलती है 60 की स्पीड पे, 60 की स्पीड होगी इस पानी की, उससे ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा होगी। मैं आ रहा हूँ अय्यूब, पानी कितना गहरा था? जूती उतार दी है? नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मुतवक्का मौत जो है ना वो किसी भी वक्त आ सकती है। कोई ऐसा घाट हमें नहीं मिला जी जिससे मतलब ये दावा किया जा सकता हो कि यहाँ पर ज़्यादा मछली होगी, तो हम बिल्कुल दरिया के बिल्कुल वस्त में खड़े हैं, जहाँ पर जो है ना पानी का ठहराव बनिस्बतन कम है, वो मेन जगह है, और इससे हम दूर हटकर जो है ना ये जो खुराक है हम यहाँ पर अब बहाव कर रहे हैं, फिर डाल रहे हैं। आ जाए आप भी, सब मिलाए आबिद भाई। आ रहा हूँ मैं, ट्राइब हुआ है ना बाद में डाल देना। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम।
सबसे आसान तरीका यही था यहाँ पर अगर वैसे सही होगा ओके okay, भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू टाइम देने का, वक्त देने का और हेल्प करने का बहुत शुक्रिया। ओके okay, भाई आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।